चेंज करना चाहती हैं कि वाकई में अपनी कंपनी चेंज करना चाहती हैं? मैं कंपनी और कंपनी के साथ जुड़े हुए हर कर्मचारी को, हर स्टाफ को, कंपनी को, सबको चेंज करना चाहती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि संजना एक पागल लड़की है और किसी ने उसके कान में ये फूंक दिया है कि उसकी कंपनी बहुत ही बोरिंग सी लगती है, बहुत ही कॉर्पोरेट टाइप फीलिंग आती है और ये एक ऐड एजेंसी है। तो ऐड एजेंसी कहते हैं यूजुअली कि ऐड एजेंसी बहुत ही कूल होती है, दिखने में बहुत फंकी होती है, वहाँ के लोग बड़े यंगस्टर्स होते हैं, ऐसा सब होता है। तो वो अब सब कुछ बदलना चाहती है और वही कर रही है। जैसे कि बात करें तो मिस्टर साजन जी बहुत कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं कि इस उनको सरप्राइज लग रहा है कि आप कंपनी को बहुत ये करना चाह रही हैं, डेवलप करना चाह रही हैं। हाँ अभी बेचारे वो तो हमेशा की तरह कंफ्यूज ही रहते हैं कि इस बार ऐसा क्या नया। दो दो कैमरा है, कहाँ देखूँ, चलेगा? चलेगा, ओके। तो हमेशा की तरह मिस्टर साजन कंफ्यूज रह जाते हैं कि इस बार क्या नया कुछ करेंगी संजना मैडम। तो अब ये तो कुछ बहुत ही अलग हो गया है क्योंकि हमेशा हर एपिसोड में कोई प्रैंक होता है, कुछ होता है, लेकिन इस एपिसोड में संजना एम्प्लॉयज़ के लुक को ही बदलना चाहती हैं और मिस्टर साजन तो ऐसे कूल और फंकी और हिप तो है नहीं। तो लेट्स सी वेदर वो अपने आप को मॉडिफाई कर पाएंगे या नहीं। यानी इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है, मुझे खुद मालूम नहीं है, पहला सीन हम लोगों ने शूट किया है तो जब आगे पता नहीं स्टोरी कैसे जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन जी, अपने ऑडिशन के लिए कुछ कहना चाहेंगे? किसके लिए? ऑडियंस। अच्छा, और अपने ऑडिशन से? अच्छा, ओके। मैं ऑडियंस से ये कहना चाहूँगी कि हमारे शो को पसंद करें, आप पसंद करते ही हैं लेकिन थोड़ा और पसंद करें, और हम हमेशा कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। तो भी नवरात्रि आने वाली है तो हम थोड़ा, हमारा दिल थोड़ा ऐसे ऐसे हो रहा है कि कहीं आप हमें छोड़ के तो नहीं जाएंगे, तो हम कुछ और इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन्स लेकर आने वाले हैं ताकि आप ऐसे ऐसे नवरात्रि डांडिया खेलते खेलते एक आपकी आँख ऐसे टेलीविज़न पर हो। हम नहीं चाहते कि हम आपको, हाँ, आप हमें भूल जाएँ उन 9 दिनों में। तो नवरात्रि के वक्त भी आधा घंटा निकाल के हमारा शो देखे, फिर आप जागिए और खेलिए अपनी नवरात्रि और अपना डांडिया खूब खेलें। अभी दे दूँ? चलो। और मैं अपने सारे दर्शकों को नवरात्रि के खूब बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ। खूब खेलें, माता रानी को याद करें और इन्जॉय करें। Thank you.